सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाटा कंपनी का मेंस शूज़ और ये मुझे फ्लिपकार्ट पे 819 रुपए में मिला है। तो चलिए इसे जल्दी से अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि शूज़ की क्वालिटी कैसी है। बाटा काफ़ी पुराना रेनोन्ड ब्रांड है और इसके शोरूम ऑल ओवर द इंडिया हर जगह मौजूद हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है दी गई है इसमें। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये, 9 नंबर साइज में मैंने लिया है इसे। पैकेजिंग मटेरियल को अब बाहर निकाल देते हैं। क्वालिटी देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये आर्टिफिशियल लेदर शूज़ हैं। जी हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। और इसका सोल आप देख सकते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। हो सकता है अभी सर्दी का मौसम है और ये नया प्रोडक्ट भी है, इसलिए कुछ ज़्यादा हार्ड लग रहा है। अगर आप किसी पॉपुलर ब्रांड का शूज़ 1000 के अंदर लेंगे तो उसमें आपको आर्टिफिशियल लेदर ही मिलेगी। कोई भी ब्रांड आपको जेन्युइन लेदर 1000 के अंदर नहीं देगा। लेकिन अगर आप 600 से 700 के अंदर रियल लेदर का शूज़ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई, आर्टिफिशियल लेदर का शूज़ आप तभी लेना जब आपको शूज़ कभी कभी पहनना हो, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए शूज़ लेना चाहते हैं तो ओरिजिनल लेदर का ही लेना। डेली यूज़ करने पर आर्टिफिशियल लेदर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है और ये 2-3 मंथ में ही फट जाता है। तो अब मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। थोड़ा हार्ड लग रहा है अभी, मैंने इसे लोअर पर ही पहन लिया है, पर फॉर्मल्स पे ये और भी बेटर लगेगा। अगर आप बाटा के आर्टिफिशियल लेदर वाला शूज़ लेना चाहते हैं तो पॉपुलर बाटा शूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। भाई, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना।